नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंका वर्ल्ड ऑफ न्यूरोलॉजी में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु की राशि परिवर्तन की। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु जो है वो मेष राशि में और केतु जो है वो तुला राशि में विराजमान होने वाले हैं। तो इसका असर आपकी राशियों पर क्या होगा, आइए जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को काल्पनिक विचार ज़्यादा आएंगे इस पीरियड में। इनके जो सोचने की क्षमता है वो निगेटिव और ज़्यादा जाएगी, तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है उसमें इशू हो सकती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर जुड़ना है और कुत्ते को डेली कुछ ना कुछ खिलाने से आपकी प्रॉब्लम जो है, समस्याएँ हैं, वो कम होने के चांसेस हैं। लेकिन कुत्ते को डेली कुछ ना कुछ आप खिलाएँ। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए राहु 12वें भाव में और केतु जो है 4थे भाव में आएंगे। इससे क्या होगा, आपके फालतू खर्च बढ़ेंगे। किसी से भी पैसे जब लेन देन पैसे का करें तो हमेशा सावधानी रखें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी, लेकिन उस ट्रैवलिंग में अपने सामान की बहुत आपको रक्षा करनी होगी, मीन्स बचा के रखना होगा, अदरवाइज चोरी होने के भी चांसेस हैं। हमेशा मीन्स जब तक ये पीरियड चल रहा है शिव मंदिर में जाके जल अभिषेक करें, आपको बहुत राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए 11th हाउस में जो है राहु आ जाएंगे, 5th हाउस में केतु। इससे आपको आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, आपको धन लाभ होने के चांसेस हैं। आपका जो फ्रेंड सर्कल है या सोशल सर्कल है वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, मीन्स बहुत अच्छी बनेगी आपकी, और इससे आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएँ होंगी, इनकम के चांसेस बढ़ेंगे, नई नई दिशाएँ दिखेंगी जहाँ आप काम कर सकते हैं। संतान सुख प्राप्त होगा आपको, मीन्स जो लोग संतान के लिए सोच रहे हैं उनको ये सुख प्राप्त हो सकता है। बस थोड़ा सा हेल्थ के मामले में आपको सावधान रहना है, क्योंकि हेल्थ आपकी अप डाउन हो सकती है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए राहु जो है दशम स्थान में रहेंगे, केतु चतुर्थ स्थान में। इससे क्या होगा, आपका काम का भार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको लाभ नहीं दिखेगा। सुख शांति में भी आपको कमी महसूस होगी या मानसिक परेशानी ज़्यादा रहेगी। इससे बचने के लिए आपको जो रेमेडीज़ फॉलो करनी है वो सुन लीजिए। कुत्ते को कुछ ना कुछ डेली खिलाइए, अपने से बुजुर्गों का, अपने से बड़े या बुजुर्ग का हमेशा सम्मान कीजिए। हो सके तो वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम में जाके दान करें, इससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की, कि उनके लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो आपकी धार्मिक आस्थाएं जो हैं वो, जो आप भगवान पे विश्वास करते हैं उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, या कभी आप उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, मीन्स अप डाउन रहेगी। छोटी छोटी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। संतान के प्रति आप उनके फ्यूचर को लेकर चिंतित रहेंगे। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रॉफिट हो या आपको ये समस्याएं थोड़ा कम परेशान करें, कुत्ते को डेली आप कुछ ना कुछ खिलाएं। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को किसी से भी लेन देन में, या किसी से पैसे उधार लेते हैं या किसी को पैसे देते हैं, तो इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। माता के सुख में आपको थोड़ी कमी दिख रही है, इसलिए अपनी माता का विशेष तौर से ध्यान रखें। किसी भी अनजान आदमी की बातों पर भरोसा तुरंत न करें जब तक उन पर विश्वास न हो जाए, उनकी किसी बात को माने नहीं, अदरवाइज आपको धोखा मिल सकता है। राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए छोटी छोटी गिफ्ट्स जो हैं, ये छोटे मोटे जो गिफ्ट हैं कन्याओं को दें, जो कि कन्याएं छोटी होती हैं, इससे करने से राहु केतु का जो बुरा प्रभाव है आपके ऊपर से कम हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के दिमाग में बहुत सी विचारों का मंथन होगा, मीन्स बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके सर में हमेशा दर्द बना रहेगा। तो इन प्रभाव को, इन विचारों को आपको खुद से दूर रखना है। मीन्स सोचना भी है तो ऐसी बातों पर जहाँ आप काम कर सकें, जिसका इफेक्ट आपके बातों, मतलब आपके करियर पे पड़े, न कि ऐसी बातों को सोचिए जिससे आपका कोई लेना देना ही ना हो। आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बिजनेस में लाभ होगा, ये अलग बात है कि अप डाउन रहेगी, लेकिन प्रॉफिट ना कहीं से आपको होगा। आपको राहु केतु के बुरे परिणामों से बचने के लिए गणेश जी और महालक्ष्मी माँ की उपासना करनी चाहिए, आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी और आपके दिमाग को भी बहुत सुख शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आप अपने घर के सुख शांति को बढ़ाने के लिए
पूरा प्रयास करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपके और भी ग्रह सपोर्ट आपको करते हैं तो आप आने वाले दिनों में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप हनुमान जी की उपासना अवश्य करें, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आइए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आपको बिजनेस या जॉब में सफलता मिलने के पूरे चांसेस है, कहीं ना कहीं से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग एजुकेशन मीन्स जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका मन थोड़ा विचलित हो सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने अपने मन को एकाग्र करके आगे आप बढ़ते हैं तो आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं तो केयरफुल रहिएगा, सामान चोरी होने के चांसेस दिख रहे हैं। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी लेकिन थोड़ी पेट संबंधी समस्याएं आपको परेशानी दे सकती हैं। आप माँ भवानी की पूजा करें, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के बिजनेस में अप डाउन रहेगा। जो स्टूडेंट हैं उनके एकाग्रपन जो है उसमें भी आपको कमी थोड़ी नजर आएगी, इसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा। फ्रेंड्स भी आपको साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। फालतू खर्च बहुत बढ़ेगा। घर में किसी सदस्य की हेल्थ अप डाउन हो सकती है। आप किसी साईं बाबा या साधु फकीर की सेवा करें, आपको लाभ मिलेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की थोड़ी जो वर्क करने की क्षमता है उसको और बढ़ाना होगा, मीन्स आपको हार्ड वर्क करना होगा। ट्रेवल्स बढ़ेगी, धार्मिक आस्था बढ़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आपको हार्ड वर्क करना है तो आप ज़रूर सफल होंगे। फ्रेंड्स का सहयोग या रिलेशनशिप जो आपके हैं उससे आपको सफलता मिल, उससे भी आपको सफलता के चांसेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो आपका साथ देंगे। हेल्थ के मामले में थोड़ा केयरफुल रहना है। संतान अगर किसी मुसीबत में है तो आप उसको उस मुसीबत से निकाल पाएंगे। आपको गायत्री मंत्र का जाप करते रहना है जिससे जो भी थोड़े बुरे परिणाम हैं उससे आप बच सकें। आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों का खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन्स आमदनी कम होगी और खर्चा ज़्यादा नज़र आपको आएगा। फालतू बातों को सोच सोच के अपने दिमाग पर प्रेशर ना लें, इन बातों से आप बचें। घर में किसी की बात को लेकर आपके मन में खटास आ सकती है तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें। पॉजिटिव थॉट्स को ज़्यादा अपने मन में लाएं। राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए गरीब या बीमार या जो अपाहिज लोग हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं उनकी सेवा करें, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मैंने ये राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर एक जनरल आपको प्रिडिक्शन दी है। अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए, एकदम राइट प्रिडिक्शन चाहिए तो आप अपनी बर्थ चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आप सही जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9727555165, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।